एंड लास्ट वीक चूंकि जैसा कि अनाउंस हुआ था कि हम इस्लामाबाद में थे ऑल पाकिस्तान टीम मीटिंग पे सो इट कुड नॉट हैपन बट आई एम बैक विद अनदर एपिसोड अ फ्रेश एपिसोड और आज का टॉपिक बड़ा सीरियस है मैं uh, जो है एक ग्लोबल पेंडेमिक पर पे बात करने वाला हूँ यू नो पैंडमिक चल रहा है एक पेंडेमिक तो कोविड बट मैनी पीपल डोंट रियलाइज दैट देर इज अनादर पेंडेमिक विच हैज़ हिट एवरी वन ग्लोबली And it has hit everyone at such a massive level के मेरे पास जो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यकीन करें जो सबसे ज्यादा मेरे पास केसेस आते हैं काउंसलिंग के या uh, है कुछ जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं लोगों की विद रिगार्ड्स टू देयर ओन सेल्फ दैट इज ऑफ दोज हु आर यू नो स्टक इन दिस एडिक्शन व्हिच आई कॉल डिजिटल एडिक्शन और डिजिटल एडिक्शन का ही पार्ट जो है वो फिर जाहिर है कि पॉर्न एडिक्शन भी है तो uh, इतना मतलब के अफसोस होता है uh, वो केसेस सुन के कि पीपल डोंट वांट टू यू नो डेल्व इनटू दिस पीपल डोंट वांट टू गो इनटू दिस बट समाउ पीपल आर स्लिपिंग सम हाउ इट इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ देम एंड लिटरली एक तो मुझे जो क्वेस्टन uh, आया था इट टोटली शैटर्ड मी uh, i got question of a 14 year old boy 14 year old boy he said ke sir my soul is shattering meri soul jo hai wo shatter ho rahi hai uh, because of this addiction because of this thing i am stuck into it imagine 14 साल का बच्चा जिसकी खेलने की उम्र थी जिसकी sports करने की उम्र थी gym जाने की उम्र थी you know. Uh, जिसकी उम्र थी कि वो बुक्स पढ़े जिसकी उम्र थी कि वो uh, ग्रो करे अपने इंटेलेक्ट uh, को ग्रो करे फिजिकली ग्रो हो इमेजिन के दिस एज चाइल्ड दिस एज बॉय इट एंड अल्लाह के और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस इशू एंड विद मी टूडे इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर मोहम्मद अली जो कि एन एल पी ट्रेनर भी हैं माशा और वायल इब्राहिम ही इज़ अ फेमस माशा डिजिटल एडिक्शन काउंसलर वायल इब्राहिम आ भी चुके हैं पाकिस्तान में कई बार मोस्ट ऑफ यू नो हिम तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अवेयर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से इन्होंने uh, जो है डिप्लोमा किया है माशाल्लाह सर्टिफिकेशन की है इस एडिक्शन के हवाले से तो इनसे डिस्कशन चलेगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि कैसे हैं आप अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान आप सुनाइए अल्लाह का शुक्र कैसा गुजरा आपका टाइम आजकल आजकल तो यार टाइम आपको मैं बताऊं प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स उसकी एक खास वजह यह है कि जो

जब सेशन खत्म हुआ तो दो बच्चे मेरे पास उठ के आए सही एक लड़की सही जो कि इक्कीस साल की थी और उसने आगे कहा कि जी कहावन ईयर ओल्ड एंड आफ्टर दैट आई वेंट इन टू दिस एडिक्शन सही ठीक सही। अब तो इक्कीस साल की थी और वो निकल चुकी है इससे और उसने अपने आपको बड़ा किया लेकिन जो दूसरा मेरे पास आया हुँ। हुँ। अली वो तेरह साल का बच्चा था और उसने आके मुझे कहा कि सर मैं 10 साल की उम्र में इसमें पढ़ा था हुँ, हुँ, हुँ. और 12 साढ़े बारह साल की उम्र में आकर मुझे इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं बाथरूम में था हुँ. मुकाबला हो रहा था यहाँ पर आजकल होता है फिर कंपटीशन शुरू होते हैं हुँ, हुँ, हुँ. और उस कंपटीशन में मैं चक्करा के गिरा हूं हुँ. मेरा सर खुल गया पीछे से एंड आई आई लॉस्ट एवरीथिंग कॉन्शियस एवरीथिंग और फिर वो कहता है मैं एक साल अस्पताल पे रहा बिस्तर में पड़ा हुआ था एक साल के बाद मुझे मेरा मेमोरी मेरी वापस आई अच्छा। यहाँ तक बात अभी हुँ। भी ठीक है हुँ, हुँ, हुँ। जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा ना वो हाइट ऑफ कहता है, मेरा माँ बाप वहाँ बैठे होते थे मुझे मैं उनको नहीं पहचानता था लेकिन मेरा हाथ नहीं रुकता था मुझे पता ही नहीं था कौन बैठे Such is the situation. इतनी dangerous ये situation है. नहीं तो ये अली भाई नो you know, मैं कभी, -कभी सोचता हूँ कि अगर ये इतना बड़ा मसला है का, तो फिर कम्यूनिटी जो है ये इसको एक डिसऑर्डर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे क्यों नहीं डयर इसको ये कर रहे हैं ये तो कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल अच्छा मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको uh, एक मेल uh, uh, बीमारी है जो कि आमतौर पर 40-50 साल के बाद जाके लोगों को हुआ करती है अब उसको उन्होंने पी आई ई -E डी का नाम दे दिया है यानी कि पोन इंड्यूस्ड डायरेक्टाइल डिस्फंक्शन सो इट हैज बीन कंसीडर्ड डिक्लेयर्ड एज अ बीमारी राइट फर्क यह है कि ये उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया बाहर इसके ऊपर बकायदा काउंसलिंग होती है बकायदा उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने कैसे इन केसेस को डील करना है सही। हमारे यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर आर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट कम्युनिटी वो या तो गोलियां दे देते हैं सही या फिर गोलियां दे देते हैं सही क्योंकि बेचारों को पता नहीं है कि आपने हर चीज को अब जो हीरोइन का एडिक्ट है हुँ, हुँ। उसकी एडिक्शन <clears throat> उसकी एडिक्शन डील करने के लिए

I always thought कि मुझे सब पता है यार मैं तो हर तरह की एडिक्शन पे काम कर लेता हूँ। बट जब मैंने शेख वाइल के साथ काम किया तो मुझे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट पता चले हुँ, हुँ, हमारे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि रिलीजियस शेमिंग बहुत की जाती है अल्लाह अकबर तुम ये क्या कर रहे हो तुम तो जन्हम में चले जाओगे यार जो में जाना है उसको पता है कि मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा आप जब उसको ये चीज़ मजीद बता रहे हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेस आएगा आएगा। क्यों है क्योंकि एक तरफ उसको गिल्ट दिया जा रहा है बिल्कुल और दूसरी तरफ उसकी पर्सनैलिटी उसको कंफ्यूज है मैं करूं तो करूं क्या सो हमारे यहाँ पर ना हमारा रिलीजियस तबका ना हमारा साइकोलॉजिकल तबका इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है वो वही स्टीरियोटाइप पुरानी बातें कर रहे हैं ना इसको वो सीरियस ले रहे हैं इसको ना इसको सीरियस लेते ले 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 हैं बिल्कुल और जो सीरियस लेते भी हैं वो मैक्सिमम क्या कर देते हैं वो शेमिंग करते हैं फैमिली का खराब हो जाएगी मां-बाप की इज्जत मैंने खुद एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक केस मेरे पास आया वो बच्चा बच्चा था और वो मुझे कहने लगा कि सर वो तो मुझे हर वक्त जो है ना एक आंटी थी जिनके पास मैं चला गया और वो आंटी हर वक्त मुझे एक ही बात कहती थी शर्म करो तुम्हारे मां बाप को देखो तुम क्या कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही मैं ये कहूँ मेरे अम्मी वो भी करते थे काम मतलब यही काम वो घर इज नॉट द वे टू हैंडल थिंग्स यानी कि आपका पॉइंट है कि मजीद बंदा गिल्ट में जाएगा स्ट्रेस में तो व्हाट इज द वे आउट व्हाट डू यू थिंक अब जितना कॉमन ही मसला हो चुका है स्पेशली टीनएजर्स के लिए वी लिव इन अ हाइपर सेक्सुअलाइज्ड सोसाइटी बिलबोर्ड्स देख लें टीवी सीरीज यू नो देन थंबनेल्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स शोन ऑन थंबनेल्स यूट्यूब इट्स एवरीवेयर एवरीवेयर तो क्या एक ब, क्या करे बच्चा एक टीनेजर क्या करे हाउ विल यू हैंडल सच अ सच एन इशू अली ओपननेस uh, अच्छा मेरे शेख वाइल से एक चीज सीखी थी जो मैंने उनके सेशन खत्म करने के बाद आती अपने घर में इंप्लीमेंट की अच्छा आपको अगर याद होगा तो जब मैंने ये कोर्स किया था शेख वाइल के साथ तो मेरे बेटा मेरी दोनों बेटियां और मेरी बेगम को मैंने बिठा बिठा के के किया किया था शेख वाइल ने मुझे बाद में बल्कि कहा भी कि मैंने इतने सालों से करा रहा हूं मैंने कभी इस तरह फैमिली को बैठ के कोर्स करते है नहीं सही, देखा सही। अब उसका मुझे एडवांटेज क्या है एडवांटेज ये है कि बच्चों को एक अवेयरनेस है मैं ये नहीं कहता अल्लाह रहम रखे मेरे बच्चों में लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे बड़े पारसा है एंड दे हैव अच्छा फिर एक और चीज है मैंने अपने बेटे की प्यूबरिटी जब उसको फर्स्ट टाइम वो बारह साल का हुआ मैंने उसको बिठा के मैंने उसको कहा मैं कहा बेटा अब तुम्हारे साथ ये होगा ये होगा ये होगा अच्छा। ये चेंजेस आएंगी और जब ये ये चेंज आए तब तब, तब तुमने आके मुझे बताना है ठीक है ठीक है।, है मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या करना है सही अब वो बातें हम आम हमने बचपन में अपने वाले साहब से नहीं सुनी थी हमने से, दोस्तों से सीखी थी बिल्कुल तो जब हम दोस्तों से सीखते हैं दोस्तों में जब डिस्कशन होती है तो फिर जाहिर है कि खराबी का बहुत एग्जैक्टली राइट अब वो उसको जब से जैसे जो जो चेंजेस आई वो मेरे पास आया कि अबू अब ये हुआ है अबू अब ये हुआ है नाउ दैट कॉन्फिडेंस आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डिंग विद हिम फ्रॉम 10, एज ऑफ टेन इलेवन एंड ठीक. तो ये काम पेरेंट्स जो हम मैं अभी आप में पहले में एक ने रहा था, मैं एक सेशन बात हो रही थी कि हम लोग हम्म बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक सो डिफरेंस इज इन्वेस्टमेंट का स्पेंडिचर से फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसी थीक 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 तरह आप पैसा खर्च करके बच्चों के लिए तोहफे ले आते हैं बट क्या आप उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम या नहीं राइट right. सो so, जब आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे ओपननेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों से बैठ के मैंने उनके हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की किस चीज पे उस ऐप पे कि जो ऐप से मैं अपने बच्चों के फोन उनको बताया कि बेटा ये आपको भी पता है आपने ये कोर्स किया है ये ऐप कितनी जरूरी है, है आपके मैसेजेस सारे आएंगे उनको पता है कि मैं उनका इंस्टाग्राम का भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उनके फेसबुक के भी आ रहे हैं मैं नहीं पढ़ूंगा बेटा ये मेरा आप कॉन्फिडेंस रखो सही सो आई वाज ओपन विद देम लेकिन चेक हो जाएगा लेकिन चेक है चेक रहे है। जहां पर गलती से भी अच्छा वो कई दफा गूगल भी जो है ना वो मस्करिया करता है वो ऐसे करता है कि वो अब आ, उसने बेटी ने मेरी फॉर्म फिल कर रही थी यूनिवर्सिटी का तो उसमें लिखा होता है सेक्स इज इक्वल टू फीमेल उसने लिखा तो वो गूगल ने उसके ऊपर वो जो सॉफ्टवेयर था ना उसने उड़ा के मुझे फॉरन कहा वो मेरे को बेटा ये आप कौन सी साइट पे गई थी कहती अब ये फॉर्म फिल कर रही थी सही, सही, सही। बिल्कुल मुझे वो अलर्ट आ गया एंड देन आई हैड इन माय डॉटर दैट ओपननेस टू डिस्कस कि बेटा आप ये क्या कर रही हैं उसने कहा काबू मैं ये कर रही हूं राइट right? ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अली भाई पेरेंट्स के लिए स्पेशली कुना मैं डिटेल में एंड में एंड इंशाल्लाह आपके आपके साथ एक बार फिर डिस्कस करना चाहूंगा कि पेरेंट्स किस तरह चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं और वही शेमिंग वाली बात है कि शेमिंग करते रहेंगे तो बच्चा फिर जाहिर है स्ट्रेस में आके मजीद करेगा और छुप के करेगा बिल्कुल अच्छा मेरे ख्याल में अली भाई जितना मैंने देखा ना स्पोर्ट्स सिस्टम बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा जब एक बंदा इस चीज में चला जाता है तो मेरा नहीं ख्याल स्पोर्ट सिस्टम के बगैर वो निकल सके ऑन हिज और हर ओन उसका निकलना इसलिए इससे बहुत मुश्किल है तो जैसे मिसाल के तौर पे आई नो सर्टेन स्टूडेंट्स जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं हॉस्टल हैं उन्होंने अपने किसी अच्छे दोस्त को नेक दोस्त को बताया हुआ है कि मेरा ये इशू है मुझ पर नजर रखो और लिटरली वो दोस्त नजर रखता है वो दोस्त उनको ड्रैग आउट कर लेता है उस चीज से मैं ऐसे भी लोग को जानता हूँ जो अपना लैपटॉप दोस्त को दे देते हैं कि यार बस आज रात हमसे चीज ले लो आज रात हमें इस चीज से बचा लो तो व्हाट डू यू थिंक हाउ मच स्पोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी एंड कैसे किससे स्पोर्ट ली जाए समवन हु विल नॉट जज क्या आपका इसके बारे में सोच है अली शेख वायल एक बात हमेशा कहते हैं जब मैंने भी उनसे सीरीज भी पूरी कर रहा हूं मैं उनके साथ वो एक बात हमेशा कहते हैं कि मैंने अपने 20-22 साल के करियर में ये देखा है कि आप काउंसलिंग करा लें मेंटरशिप ले लें कोर्सेज ले, कर लें लें इंफॉर्मेशन ले, ले, ले आप फिर भी नहीं छोड़ सकते अच्छा। जब तक आप पहला ना अपनाएं और वो पहला असूल है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अच्छा। एक ऐसा इंसान जो आपके मिनट बाय मिनट आप उसको आपके अकाउंटेबल हो आप वो आपको चेक करे जिस तरह आप अभी ये दोस्त की आप बात बता रहे थे सिस्टम ठीक अच्छा अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बच्ची का किस्सा सुनाता हूँ आमतौर अमरीन है कराची में, मैं उनके कहता हूं, चली वो है हॉस्टल में रही एक गुजरा वाला के एक, एक, एक क्या कहते हैं मुतवस्त फैमिली की बच्ची थी हॉस्टल में आके रही हॉस्टल में उसको लत पड़ी सही ठीक है क्योंकि बिल्कुल और वो कहती है कि मैं चार साल हो गए हैं मुझे हर वो तकलीफ हो चुकी है जो आप सोच सकते हैं सही, सही. अच्छा मैंने उससे कहा बेटा आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने लिए लेकर आएंगी तो मैं आपके साथ सेशन करूंगा नहीं तो मैं नहीं करूंगा सही हो ठीक कह लगी सर आप मुझे एक बात का जवाब देते हैं मैं आज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ले और ये मैं तमाम व्यूअर्स पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ ये बात सही. सर मैं अपनी माँ माँ से ज्यादा बेटी किसी की क्लोज होती है सही।

कराची का एक केस आया मेरे पास उस बच्चे ने मेरे साथ बाद में एक दो कोर्सेज भी किए हैं ठीक है।, है वो बच्चा मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने उसकी माँ को सलूट किया सही एक उसके बाप और माँ सही दोनों उसके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं अच्छा उन्होंने कहा हमारे बेटे को प्रॉब्लम हो गई है ना बीमार होता तो क्या हम इसको छोड़ देते बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक हम इसके साथ हैं सही चेक रखेंगे नजर रखेंगे माँ और बाप दोनों को पता है बाप ने शुरू में सख्ती की नाराजगी की लेकिन माँ ने बड़ी दनाई का काम किया अच्छा माँ ने बाप को राजी किया कि ये आज तुमसे बात कर रहा है सही कल ये तुमसे बात नहीं करेगा तो ये बह जाए किसी और से करेगा बिल्कुल ठीक सो so, माँ प्लेड दैट वेरी इंपॉर्टेंट रोल सही और माँ ने साथ बाप को कहा कि मैं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाऊंगी लेकिन ये लड़का है सही तुम दोस्त नहीं बने तो ये भाग जाएगा बिल्कुल ठीक बिल्कुल तो बाप हैज नाउट

हस्बैंड जो है मतलब उस हस्बैंड को भी मेरा सलाम है सही। कि वो हस्बैंड कह रहा है कि जी अगर मेरी बीवी को कैंसर या कोई और बीमारी हो जाती तो क्या मैं अपनी बीवी को छोड़ देता ये तो बीमारी है ना बिल्कुल क्योंकि इसके लिए, लिए एक बात समझनी बड़ी जरूरी है जी, और वो मैं चाहता हूँ कि जो आपके व्यूअर्स है खास तौर तो पर इस बात को समझे ये एक बीमारी है ये परवर्शन नहीं है वो नहीं हो गए अच्छा ये एक बीमारी है अच्छा और बीमारी का इलाज मुमकिन है ये गुड न्यूज है सही हमारे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बनता हमारे यहाँ पर इसको अहमियत क्यों नहीं मिलती क्योंकि हम इसको बीमारी नहीं समझते, वो ए, तेरी। हम समझते। से हाल में किया हुआ लेकिन वो बस ये अच्छा अब जो आज की जनरेशन है जो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हो उसमें एक चीज जो खतरनाक होती जा रही है ना वो इससे भाग के अब वो इसको प्राइड में ले रहे हैं हाँ बिल्कुल नहीं? पहले ये थी शेम उन्होंने कहा मेरा फखर है भाई कर लो जो करना है। बिल्कुल आओ बिल्कुल आओ मुकाबले करें ऐसे ही होता मतलब मैं तो सुन हुँ. सुन के आजकल जो तो चीजें मैं सुन रहा हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ लिटरली कॉम्पिटिशन हो रहे हैंजर्स में यूथ में जाहिर करने को काम कोई और की टू रिवाइव एंड नॉट ओनली सपोर्ट सिस्टम स्पोर्ट सिस्टम भी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, <laughs> स्पोर्ट्स सिस्टम वो जो आप कहते स्पोर्ट सिस्टमिटी फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल डोपामीन की जो आप बात करते हो ऑक्सीटोसिन और ये बाकी के जो केमिकल्स हैं वो ये जो है ना वो जित अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दें मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चा शाम को मेरे बच्चे ना जब हम दुबई में भी थे स्कूल से आते थे ठीक है स्विमिंग uh, पे चले गए स्विमिंग से आए राइडिंग पे चले गए राइडिंग से आए जिमनाटिक्स पे चले गए से आए कराटे पे चले गए कराटे से आए एक्टिविटीज आपने चार एक्टिविटीज इन अ डे होती थी डेली अच्छा मैंने अली भाई ये देखा है कि वालिद जिसका इन्वॉल्व है ना फैमिली में वो बच्चे मैंने हमेशा कामयाब होते देखे यस yes, मदर का बड़ा रोल है नो डाउट तरबिया में बहुत रोल है लेकिन एक्टिवली फिजिकली वालिद जितना इन्वॉल्व होता है ना मैं बहरिया में भी मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले वो माशाल्लाह वाले इतना इन्वॉल्व है बच्चों के साथ स्क्वाश खेलते हैं स्नूकर खेलते हैं बच्चों को क्लब लेकर जाते हैं स्पेशल टाइम निकाला हुआ है उन्होंने बच्चों के लिए कहते हैं फैक्ट्री जाते हैं कहते हैं मैं दो से तीन बजे फैक्ट्री को खैराबाद कह देता हूँ घर आ जाता हूँ तो मैंने कहा कि नहीं आप लोग तो शाम शाम तक बैठते हैं उन्होंने कहा नहीं वो वो लोग बैठते हैं जाहिर है कि जिनकी प्रायोरिटी फिर ये नहीं है लेकिन मैं इस टाइम ऑफ करके आ जाता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहो अब माशाल्लाह उनके बच्चे नजर आता है बहुत डिफरेंट है तो वालिद का रोल आपने बड़ा अच्छा बताया अच्छा अली भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हम बार बार एडिक्ट का वर्ड यूज करें एडिक्शन का वर्ड विदाउट टू मच एक्सप्लिसिट आर सम ऑफ द समम्स दैट यू आर एडिक्ट आप आपके मतलब जाहिर केसेस कुछ आए होंगे डू यू से टू के नाउ यू आर एनडिक्ट अच्छा अली उसमें बड़ी देखो सिंपल सी चीज है आप तीन चार्च पॉइंट में अगर ना सबसे पहले आपने ये देखना है कि अकेले में, में वक्त गुजारना चाहता है ठीक है पहले उसके कमरे का दरवाजा खुला होता था सही। अब वो दरवाजा बंद करता है आइसोलेशन और प्राइवेसी ये ठीक हो गया फिर वो बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम गुजारता है मोबाइल भी लेके जाने लग गया है ठीक है अब ये मतलब वन स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप है ठीक है फिर आप उसमें, उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा है अच्छा ये बहुत ज्यादा आता है ठीक ठीक है uh, कुछ में कुछ जो है वो खामोश ज्यादा हो जाते हैं कुछ चिड़चिड़े ज्यादा होते हैं लेकिन मेजोरिटी जो उनको मेरे पास जो केसेस हैं वो चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं अच्छा ठीक है अच्छा फिर वो आप पहले वो एक और नई चीज मैंने देखी है जी वो बहन भाइयों से माँ से जब मिल रहे होते हैं दे स्टार्ट फीलिंग देम। अच्छा ये मैंने एक चीज नहीं देखी है दिस इज बेसिकली परवर्जन, नहीं, दिस इज जस्ट दे आर एक्सपेरिमेंटिंग ओके ओके ठीक है

परवरजन की तरफ इंसान चला जाता है सो मैनी पीपल वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट दिस इज द गुड गुड पार्ट हेयर माशाल्लाह बहुत से लोग मानते हैं कि मसला है अभी पाकिस्तान में वो कम बख्ती नहीं आई है जो वेस्ट में है कि वो फखर से कहें जी कि नहीं ये तो हेल्दी चीज़ है हुँ. ये तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है और ये तो जितना आप करें उतना ही अच्छा है

बै, पानी पी लो पानी हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो लेट चेंज चेंज योर पोजीशन योर पोजीशन आज की हमारी बॉडी लैंग्वेज की जो मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ उसकी रिसर्च और साइंस ये कहती है कि इवन ना सिर्फ उसकी बल्कि एनएलपी में भी हम यही कहते हैं ठीक है कि आपने अगर पेशेंस सीखनी है आपने अपने आप को कंट्रोल करना है आपने अपने हारमोनल्स प्रोडक्शन को चेंज करना है तो चेंज योर बॉडी पोस्टर लीव दैट प्लेस अच्छा ठीक है अगर आपके कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट है सही, तो फर्स्ट गेट ट्रिगर इस भाई अगर आपके कमरे में वो पर्पल लाइट थी तो वहां व्हाइट बल्ब लगा लो बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बड़ी छोटी सी चीज है वो बेडशीट पे कार्टून बने हुए थे तो प्लेन डाल लो सही

फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा तो ही कहता हूँ अब जब मैं ऐसा ही हूँ आप रिपीट करते जाएंगे तो क्योंकि सही, 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 अगर, उस अगर हम उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो माइंड कंफ्यूज होता है हमारी एनएलपी की साइंस ये कहती है पहला रूल ये आप माइंड में कंफ्यूजन डाल दो अच्छा जब माइंड कंफ्यूज होगा हम, हम हमारे एक एक हम चेक करते हैं।, उसे उसे हम कहते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ़ को खत्म करना है किसी भी लिमिटिंग बिलीफ को जब खत्म किया जाता है तो उसके लिए मैं ही कर सकता था यार so माइंड में कंफ्यूजन डालनी बहुत जरूरी है मतलब कैसे इसके हवाले से कैसे मैंने छोटी छोटी एग्जाम्पल दी कि आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया बड़ा इंटरेस्टिंग कहता जी मैं जब लड़की की आवाज सुनता हूँ तो मुझे सिगरेट पीना होता है अच्छा ये ये ट्रिगर है। ये ट्रिगर है है और सिग्रेट जब सिगरेट पीता हूँ हुँ। तो फिर मुझे ये हो है नीड होती है होती तो मैंने कहा भाई तू लड़की की आवाज क्यों सुनता है सही तू लड़कियों से बातचीत बंद कर दे सही सर वो क्लास फेलोज है तो मैं सामने बात करते हुए होता है कहता नहीं अब ये भी समझने वाली बात है देखो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है जब फोन पे बात करता हूँ क्योंकि फोन पे वो देख नहीं रही होती मैं क्या कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक यानी ये एक्शन ही गलत है फोन पे बात करना ही गलत है खुद ही आप अपने आप को मसले में डाल रहे हैं ट्रिगर के सामने पेश, पेश अपने कर आप रहे हैं आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल अच्छा एक स्टेज आती है मैं बहुत से केसेस जो है उनको ये देखा है कि यू नो इससे आप इन्फ्लुएंस तो इतना ज्यादा होते हैं कि यू वांट टू यू नो कम इनटू द रियल लाइफ और फिर व्हेन वी टॉक अबाउट रियल लाइफ तो जिस तरह यूथ आजकल चैटिंग कर रही है फिर वीडियोस पे वीडियोस uh, एक्सचेंज होती हैं पिक्चर्स एक्सचेंज होती बहुत कॉमन हो चुका है ये सब कुछ एंड देन सम पीपल गो टू सच एन एक्सटेंट कि उनकी रूटीन बन जाती है रोजाना रात की यानी उन्हें नींद नहीं आती इससे पहले कि वे कुछ ऐसा कोई अमल ना कर लें कोई गुनाह ना कर लें कुछ देख ना लें या इट बिकम्स काइंड ऑफ अ रूटीन सो हाउ टू ब्रेक दिस रूटीन

तो सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज अ बैड हैबिट ठीक है फर्स्ट थिंग राइट चेंज रूटीन ना बनाए हाँ और उसको उसको फाइट करें। शक, अगर वो रूटीन भी आपने बना ली है, है. तो आप अपने माइंड में ये मान लें हुँ. कि ये गलत रूटीन है ठीक जब तक आप गलत नहीं मानेंगे आपके लिए वो गलत नहीं होगी तो आप वो करते जाएंगे ठीक है सो फर्स्ट 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 चीज स्टेप इज यू एक्सेप्ट कि यार ये मैं जो करता हूं ना ये मैं अगर चेंज कैसे करूं ये है तो गलत यार जैसे वो हदीस मुझे यहाँ पे याद आ गई कि प्रॉफिट ने कहा कि फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड बाय गुड डीड कि बैड डीड को सेटल ना होने दो क्योंकि अगर वो सेटल हो गया तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि यार ये तुम्हें ठीक जा रहा हूँ काला धब्बा से जा रहा हूँ काला धब्बा दिल पे पड़ता है ना वो काला धब्बा असल में क्या है मुझे साइंस पढ़ के समझ आया जो ठीक है साइंस क्या कहती है हमारी आज आज की की ये ये रिसर्च शुरू शुरू हुई हुई थी थी और और 21 दिन दिन से थी. 99 डेज डेज पे पे गई एंड नाउ इट हैज कम डाउन 66 और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिग्निफिकेंस बयान की है, तो ये पे आएंगे अच्छा, बट आज अच्छा, फिर भी हम साइंस बात करते हैं वो आप बन जाएंगे मसलन

ओके सो योर माइंड विल स्टार्ट बिलीविंग इट इज द ट्रूथ ठीक अब हमने कितने 66 डेज mm. कितनी 66 चीजें गलत दफा अपने माइंड को बताई होती हैं राइट right? जो मैं आपसे कहता ना माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी सो हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो आपने हैबिट को आइडेंटिफाई करना है और एक्सेप्ट करना है कि ये हैबिट है फिर आपने उसकी काउंटर को अपनी हैबिट बनाना है ओके विच यू हैव टू टेल योर सेल्फ बिफोर यू एक्चुअली डू यू नीड टू टेल योर सेल्फ मसलन मैं हमेशा लोग कहता लोग कहते, लो कहते हैं यार मैं मुझे माइग्रेन होता थ, होता है सही.

इन अल्फाज का हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट होता है, है। और यह हदीस से साबित है कि तुम देखिए अगर एक बंदा अपने आप को सेल्फ सब कर रहा है वो गुनाह कर लेता है गुनाह के बाद वो इतना नादिम हो जाता है इतना नादिम हो जाता है कि वो अपने आप को बुलडोज करने लग जाता है और उसका फिर क्या शैतान किस तरह फायदा उठाता है कि वो मजीद डीमोटिवेट करता है उसे वो मजीद उसे प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है लेजीनेस की तरफ ले जाता है और फिर अल्टीमेटली ये विशियस सर्कल ऑफ फेलियर चलता है बिल्कुल यानी कि वो एक्टिवेटिंग कंडीशन आती है ट्रिगर आता है वो दोबारा फेल होता है दोबारा फेल होता है उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है सेल्फ एस्टीम लो होती है उसका फॉल्स बिलीफ बनता है कि मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता जबकि करना क्या चाहिए उसे जो आपने कहा कि नहीं अपने अल्फाज बदलो अपने आप को थपकी दो थपाना उठ के अपने आप को शाबाशी दो कि तुमने कंट्रोल किया है तुम कर सकते हो एक रात तुमने किया है तुम अगला दिन भी कर सकते हो मैं अली हर रोज सुबह उठ के एक काम करता हूँ बाथरूम में जाके ना सबसे पहला काम पता ही करता हूँ

मुझे याद नहीं कौन से कबीले की थी जिन्होंने जिनसे गुना और सरजद हो गया था तो आप सल्लम ने कहा जाओ से, पहले से, बच्चे की पैदाइश के बाद आना और फिर वो वो आना तो मतलब वो तो एक आ, हाइट ऑफ ईमान थी, थी, थी कि उन्होंने फिर भी कहा लेकिन उसके बावजूद आप सल्लम ने फरमाया कि इसकी माफ़ी वैसे भी हो जानी थी लेकिन उसने किया हमारे यहाँ पर क्या है कि हम इस चीज को इतना ज्यादा उसके अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम ये भूल जाते हैं रिलैप्स फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक केस कर रहा हूं मैं दुबई में वो केस है लड़के का वो तीन महीने के बाद उसको रिलैप्स हो गया अच्छा, अच्छा उसने पिछले एक हफ्ते से मेरे से बातचीत बंद कर दी हुई है नहीं, नहीं। तीन महीने से सोबर रहा है वो बड़ा सही ठीक अब मैं उसको कल भी आज भी मैंने मैसेज किया मैंने कहा बेटा हो सही तो मुझे इसका जवाब क्या आया जी। सर मैं नहीं ठीक हो सकता सर अच्छा हालांकि मैंने उसको पहले दिन ये बात समझाई थी जी। कि बेटा होना इज नॉर्मल सही सही ये होगा ठीक है तैयार रहना सही उस वक्त शैतान आप पर अटैक करेगा और ये कहेगा कि मैं नहीं ठीक हो सकता गिरना मैं एक बात बताऊं अली समझ लिया ना तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी सही गिरते सब है आपको भी स्ट्रेस आता होगा मुझे भी स्ट्रेस आता है आप भी कभी डिप्रेशन में जाते हो मैं भी कभी डिप्रेशन में जाता हूँ गिरने में खामी नहीं है बिल्कुल ठीक गिर के खड़े होना कमाल है

गिरे ना सही गिर के खड़े होना बिल्कुल ठीक वो जो गिरना तो लाज़म है यार हम चलेंगे वो तिफल क्या गिरे जो वही बात है ना अगर आपने गुनाह के आगे घुटने टेक दिए तो बस फिर तो आप गए बिल्कुल और यही बात नहीं करना है फाइट करना है हर दिन अच्छा एक और मैं आपको टेक्निक शेयर करता हूँ जो मैंने पढ़ी भी और जाहिर है कि सुना भी इसके बारे में कि बड़ी ही मुफीद टेक्निक है और बेसिकली साइकोलॉजिस्ट लगाते हैं किसी की ना हैबिट चेंज कराने के लिए वो ये भी है कि कि एवरी डे डे न्यू होता ये फियर्स ऑफ द फ्यूचर होते हैं रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट होते हैं जैसे वो जॉन मैक्सवेल एक लीडरशिप ट्रेनर है उनका कोर्ट मुझे यहाँ पे याद आ गया कि वी ओवर एग्जेजरेट फ्यूचर एंड ओवर एग्जैजरेट पास फ्यूचर बट वी अंडर एस्टिमेट टूडे टूडे मैटर्स तो बहुत से लोग ये सोचते हैं नहीं यार ये आदत नहीं छूटेगी आदत नहीं छूटेगी पहले भी नहीं छूटी फ्यूचर में भी ऐसे होगा मैं स्लिप करूंगा बार बार और है कि दीनदार बंदे जो हैं अली भाई जितना डिप्रेशन में वो बिचारे हैं इस वजह से क्योंकि उनके लिए ईमान सब कुछ है अगर ईमान चला गया क्योंकि है इसकी हदीस में इतनी सख्त सख्त किस्म के अल्फाज हैं क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला कुछ लोग के अमाल को धुआं बना के उड़ा देंगे उनके बड़े बड़े अमाल होंगे नमाजें पढ़ी होंगी नेक होंगे वो हैरान हो जाएंगे कि हमारे अमाल कहाँ गए ये सही हदीस है तो प्रवेशन ने कहा कि अल्लाह उन्हें कहेंगे कि तुम असल में वो लोग हो जो तन्हाई में जाकर मेरी हदूद को पामाल करते थे वैसे लोगों के सामने तुम तो बड़े मसीहा थे बड़े जबरदस्त बनते थे अब ये देखें ये हदीस कितनी स्ट्रेस कॉजिंग है स्ट्रेस कॉजिंग इन द सेंस के हमें अंदर से शेक करती है तो रिलीजियस लोगों के लिए तो ये मौत है लिटरली ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि बस हम कहीं चले जाएं हम कहीं भाग जाए क्योंकि अगर हमने ये कर लिया हमारा ईमान गया तो उनके लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेस कॉजिंग चीज है भाई और दे दे आर आर ट्राइंग देयर बेस्ट फाइटिंग इट यू नो नो आई सच सच यूथ जो मस्जिद जाकर बैठते हैं जो मस्जिद में टाइम स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा जस्ट टू वार्ड दिस शादियां नहीं हो रही हमारे माशरे में ये असल को एजुकेशन आम किया हुआ है आप देख लें कि इंटरनेट पे खुलेआम पौन पड़ा हुआ है एक्सेसिबल कितना ज्यादा है पैकेजेस कितने सस्ते हैं और पता नहीं किस किस तरह की वेबसाइट्स बन चुकी क्या क्या कॉमिक्स निकल आए हैं लोग कॉमिक्स के कोई एडिक्शन हो जाते हैं गेमे किस किस तरह की निकल आई हैं तो ये जो आज का रिलीजियस यूथ है नली भाई ये तो तड़प रहा है ये तो, तो बेचारा जीते जी मर रहा है या मर रही है तो अ... पैकेजिस की जो आप बात करें अली तो मैं उसने एक एड देख रहा था किसी मोबाइल कंपनी का अब करो बातें सारी रात अपने दोस्तों से और उधर लड़का दिखाया उधर लड़की दिखाई दोस्तों से सबलिमिनल मैसेज सबलिमिनल

उसके अपना नाम का मतलब जो उसको अल्लाह ने नकब दिया वो भी तो ना अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला हुँ, 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 तो हुँ, मैं हमेशा कहता होता हूँ जो मायूस हो उसका नाम क्या होना चाहिए <laughs> आप खुद <laughs> फैसला कर लें अब अगर आप वो लेबल लेके अपने साथ जीना चाहते हैं ठीक है हु, हु, मुझे दूसरी आपने बात की मैं आपको थोड़ी सी साइंस इसकी एक्सप्लेन करता हूँ हम कहते हैं टाइम लाइन दो मिनट लगेंगे होता ये हम जो एशियन कम्युनिटी है ना खास तौर पर वो माजी हमारा पीछे है सही। मुस्तक हाल हमारा यहाँ सर के ऊपर है ठीक है मुस्तकबिल हमारे सामने है सही उसकी दादी की नानी की चाची की पुप्पी की बेटी ने ये किया था अब अगर इस घर से बहू आई तो आइंदा भी यही करेगी ये नहीं नजर आ रहा कि मेरा हाल कहाँ है स़ीग, स़ीग, ठीक स़ीग। जो यूरोपियन कम्युनिटी है उनका माजी इधर है ठीक है मुस्तकबिल इधर है उनके सामने और उनका हाल उनके सामने नजर आ रहा है सही। वो एक फिल्म की तरह है, वो यहां से चीज माजी से चीज सीखते हैं हाल पे लगाते हैं फायदा हुआ तो मुस्तबिल में ले जाएंगे नहीं तो, तो, तो यही छोड़ देंगे हमारा माइंड सेट ये कि माजी हमें चेस कर रहा है और भाल के लिए हम परेशान कर रहा है और हाल के लिए भाल। अच्छा गुड न्यूज ये है ये चाहिए ये नथिंग रॉन्ग एंड राइट बाय द वे क्योंकि उनको मेरे पास मैं कभी गोरों के साथ सेशन करता हूं तो मुझे उनकी टाइमलाइन को चेंज करके इसे हम कहते हैं थ्रू टाइम इने हम कहते हैं इन टाइम पीपल जो हमारे हैं तो मुझे कई दफा गोरों की नहीं होते। <laughs> उनकी को सही करने के लिए उनको पड़ता है। और जो हमारे जो एशियंस है इनकी मुझे इन लाइन से हटा के इनको इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन हैं आप मैं एक सजेशन दूंगा यहाँ पर सरों के लिए एक काम ये करें कि जो लोग ये समझते हैं ना मायूसी की तरफ जाते हैं या इस तरह के फंसते हैं वो एक कुर्सी लें और इसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको उससे वर्ल्ट डिज्नी का नाम तो सुना ही होगा जी सारी जी दुनिया जानती है मिकी माउस कार्टून को सही, उसकी जो स्टोरी थी वो एक फ्लॉप डायरेक्टर था ठीक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए वो जो लिखता था वो फेल हो जाता था जो लिखता था वो कार्टून नहीं चलता था ठीक

अच्छा उसको समझ ओए हुए इसमें तो ये भी गलती थी ये भी गलती थी ये भी गलती थी ठीक। मुझे ये सही करना है ये सही करना है फिर उसने कहा मैं देखता हूं, जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे हम दोनों के काम को कैसे देखती है, है। वो तीसरी कुर्सी पे आके बैठा ठीक है अब वहां से उसने देखा कि डायरेक्टर और राइटर ने क्या किया है इस जोक के ऊपर हंसी आई हाँ हाँ हंसी आई इस पे नहीं आई ये हटा दो उसके बाद जो उसने लिखा रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री उसके बाद मिकी माउस बना

And when you you look at from the third person's view, hmm. 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 You actually have a totally different perspective. Interesting. Hmm. रिलै तो हो, हो, रहेंगे, रहेंगे। रहेंगे। exactly. hmm. तो हो गया तो मैं क्या करूंगा सही. आप ये काम करके देखो यार ये मैंने दो तीन क्लाइंट के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया इसके ऊपर वेरी गुड रिजल्ट एक मेरा क्लाइंट है वो आ, उस केपीके के की साइड का है ठीक है तो उसको मैंने ये कराया और वो कहता है कि सर उसकी ये वर्ड्स हैं हुँ. सर जिस दिन ये एक्सरसाइज की थी वो दिन है और आज मेरा छह महीने हो गए हैं अच्छा माशा कहता है सर मैं जब मुझे अर जाती है ना मैं कुर्सी चेंज कर लेता हूँ <laughs> अब इसके दो फायदे हो गए ना एक लोकेशन चेंज हो गई फिजिकल मूवमेंट आ गई और दूसरा परस्पेक्टिव चेंज हो गया जबरदस्त ये लाइव एग्जांपल उस बंदा को वो, वो तो बेचारा इतना वो है उसने अपनी पूरी एक फेसबुक पे कम्युनिटी बना ली है चालीस हजार बंदा है उसी कम्युनिटी पे और वो कहता है कि सर मैं आगे ऊपर बताने को तैयार दूसरों को सिखाने को तैयार हूँ की मैं इस एक टेक्निक से मुझे इतना फर्क पड़ा बिल्कुल ठीक अच्छा ये एक मैं बात कर रहा था कि जब हम ये सोचते ना कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में मैं फेल हुआ था लेकिन अगर हम हर दिन को नया दिन बिल्कुल। उस उस उसको अगला नया दिन आपने, उसमें अपने आप को सेव कर लें किसी ना किसी ना कोई एक्टिविटीज रखें एक और चीज अली भाई बड़ी मुफीद हुई है कि बहुत से लोग को मैंने सजेस्ट किया कि यार लुक एट द लास्ट एक्टिविटी यू डू बिफोर यू स्लीप बस उसको चेक कर लो कुछ अरसा आपको जान लगानी पड़ेगी जबरदस्ती करनी पड़ेगी आहिस्ता आस्ता वही आपके वाली बात है हैबिट बन जाएगी मिसाल के तौर पे पीपल हु लाइक टू डू दीज दे रिप्लेस दीज यू नो कोई इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा लें कोई इंफॉर्मेटिव चीज लगा लें लगाकर तकिए पे सर दें सुन्नत के मुताबिक जो है वो लेट जाए उस पोस्चर में और उस लेक्चर को सुने उनको नॉलेज भी उनका बढ़ेगा उनको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इस्लाम में और नींद भी उनको बहुत अच्छी आएगी इस तीन चार दिन बहुत से लोगों ने करके देखा लेक्चर लेक्चर सुनने की आदत रात रात को कि सोने से पहले सुनने है और उससे नींद आएगी तो ये आपके वाली ही बात है कि हम नया दिन ले बहुत चेलेज्ञ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नया उसकी दो वजूहत मैं आपको मैं जब स्पोर्ट्समैन की कोचिंग करता हूँ ना तो मैं उनको ये बात बताता हूँ जो कि बाद में मुझे मेरे बेटे ने आया कहा कि अब ये तो लगता है कि ये सारे आपसे सी सीख के आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया <laughs> का जो कैप्टन है ना उसने एग्जैक्टली exactly यही बात कही अच्छा ठीक है हर बॉल से पहले जी पिछली बॉल पे अगर आपने छक्का भी मारा है ना तो भूल जाए कि वो बॉल क्या थी ठीक सो एवरी बॉल इज ए न्यू बॉल ठीक इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी आप गए हैं जी जी वहां पर बाहर एक बोर्ड लगा होता है नंबर ऑफ डेज विदाउट एक्सीडेंट लगा होता है वहां पर जो मॉर्निंग मीटिंग होती है ना मैं जब शैल इस्लाम जब मैं था ये शेल में भी था जो हमारी तो हमारी रिग्स पे भी हम ये करते थे कि हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती थी ना तो उस मीटिंग में हम ये कहते थे आज अगर 160 दिन गुजर गए हैं तो फॉरगेट अबाउट 160 व्हाट कैन वी डू टू मेक टुडे एक्सीडेंट फ्री बिल्कुल ठीक है एंड अलहमदुल्ला रिग आई वॉज वर्किंग ऑन वी हैड फोर एक्सीडेंट वो रिकॉर्ड था उस वक्त का सही बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं हुआ था, सही। जो हमारा जो था रिक का, उसका पांच तो सुबह वाली शिफ्ट आई है तो उसकी एक मीटिंग है दोपहर तो वाली शिफ्ट आई है उसकी एक मीटिंग है शाम हरे वो कहता था जो आठ घंटे गुजर गए ना उनको भूल जाओ नेक्स्ट एट आवर्स इज द न्यू स्टार्ट बिल्कुल इसे कहते हैं

और आप सोच क्या रहे थे सही मसलन आप अगर स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे जी। तो क्या सोच भी स्कूल की तैयारी की थी या कोई और थी ठीक है ठीक आप अगर खाना खा रहे थे तो क्या दिमाग में खाना ही चल रहा था सही। या कुछ और चल रहा था ठीक अच्छा अब आप जब ये काम करेंगे तो एक तो ये कि आपका दिन पंद्रह मिनट बाद खत्म हो गया नया दिन शुरू हो गया सही ठीक होगी बात दूसरी आपको सात दिन के बाद अपने टाइम वेस्टर्स

कि मुझे ये मेरा खत्म हो जाए रिलैप्स हो जाएगा यू नो हाउ टू स्टैंड शेख खास तो इस पे कहते हैं कि यार कभी भी फ्रेम नहीं हमें बताना चाहिए mm -hmm. क्योंकि जब हम टाइम देते ना और फिर अगर रिलैप्स होता है शरी. तो बंदा समझता है यार देखा ना हो गया मैं हो गया mm -hmm. so no सो भी आपको एग्जाम्पल दी बंदे की वो जो का बंदा था वो छह महीने उसको हो गए एंड ही मून अच्छा उसने इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया क्योंकि उसने ये उसका भी बाय द वे ट्रिगर वो था कि जी मैं अच्छा ग्रुप में लड़कियां भी आने लगी सरी. उसने कहा नहीं लड़कियों का ग्रुप अलग है एक सरी. और सिस्टर को उसने कहा आप ये ग्रुप चलाएं ठीक है मैं बीच में नहीं आऊंगा ठीक है सो ही अब छे महीने गुजर गए हैं इन साल भी गुजरेगा दो साल भी अमूमन तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आपने एक दफा एक एडिक्शन से आपकी जान छुट गई है सही। तो आपकी जान छुट जाएगी हाउवर कभी कभार इंसान है वो बह जाता है आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि शादियां जल्दी नहीं हो रही ठीक है अली मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमाम बहनों से और भाइयों से ये बात करूंगा कि शादी जल्दी करके भी मेरे पास अभी ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं इस वक्त कि हस्बैंड वाइफ के, के करीब नहीं आने देती वाइफ हस्बैंड को करीब नहीं आने देती नहीं। 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 बहुत कुछ ऐसा बड़ा अफसोसनाक ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं और ये वेस्ट से बहुत कुछ इंपोर्ट हो रहा है कि ये जो है ना ये हमारे इस तरह से ये है अब जब आप ये करेंगे तो जिस जिस बंदे ने अपने आप को दो साल चार साल छह साल रोका हुआ था एंड वाइफ से वर्षा अगर हस्बैंड वाइफ से दूर रहेगा सही, सही।

कि जब घर जाता हूँ ना तो पोचा मारने वाली मई मेरा दरवाजा खोलती है <स्थाथिए> और दरवाजा खोलते ही ये खराब हो गया वो खराब हो गया गिले शिक्षे शुरू कर देती है अच्छा वो जब खातून मेरे पास सेशन के लिए आई तो वो पार्लर से तैयार होके आई हुई थी मैंने उन खातून से पूछा मैंने कहा बहन मुझे एक बात बताइए कि आपके हस्बैंड को ये आपसे शिकवा है सही। तो कहती है उसका तो दिमाग खराब है अब

बाकी सबके सामने तैयार होना तो दिस इज यस वन ऑफ द बिगे रीजन बिकॉज यू नो वी डोंट रियलाइज डे मैन के लिए कितना फितना देर इज सो मच फितना फितर एवरी वन इज मेकिंग अफेयर्स यू नो मेकिंगेयर्स कितने अफेयर्स कितने कॉमन हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में एंड ऑल दीज थिंग्स एक yeah. बड़ी गलत फहमी हमारे बड़े बुढ़ों ने डाली हुई है हमारी बच्चियों के माइंड में कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है झूठ <laughs> है ये मर्द के दिल का रास्ता उसके दिल से ही होके जाता है सही, सही और दिल जीतने का वही तरीका है सही, सही कि आप उसके सामने बन ठन के रहे ठन के भी रहे जैसे प्रोफेशनल में कहा सेंस हम वो सेक्सुअल सेंस में वो तो बात वो तो बाय प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट है।, है ना दिस इज जस्ट इन द सेंस कि भाई एक बंदे का दिल खुश होता है लेकिन मर्द पे भी है

मियाँ बीवी खुद ही जो है ना वो थोड़े अरसे के बाद एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं <laughs> तो उसकी जिंदगी आसान कर दी भी उन्होंने <laughs> मैं आई एम सॉरी बट मैं बड़े ब्लंट वर्ड्स यूज करता हूँ आजकल तो अल्लाह माफ करे इसी तरह ही है ऐसे तो ये है। और ये फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स हैं सोसाइटी का फैब्रिक ही सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है ना बिकॉज वेस्ट से हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो सीधी सी बात है सारी चीजें जब वेस्टर्न लाइफस्टाइल इंपोर्ट होगा तो उसके फिर तो और अच्छा अली मेरा इस पर थोड़ा सा आपकी इस बात से ना एक मैं चीज ऐड करूंगा मैं राय नहीं कहूंगा बट मैं इजाफे राय कहूंगा सही हम मुसलमान नहीं हुए हम अभी भी हिंदू है ये मेरा पॉइंट समझने वाला है कस्टम एंड कल्चर जी इन कस्टम एंड कल्चर हम वही हैं सही हम सती नहीं करते सही लेकिन हम बेवा औरत को जिंदगी अजाब कर देते हैं सही राइट right. बिल्कुल right? सही हम दूसरी शादी करने को ठीक hmm. है मर्द की या औरत की भी नहीं, नहीं. अगर किसी के शोहर की जल्दी डेथ हो गई है विडो विडो है, है तो, तो उसकी शादी में क्या प्रॉब्लम है यार सही ठीक है मैं एक ऐसी फैमिली में जानता हूं कि वो उसकी तीन बेटियां थी और मैंने अली अगर मैंने इस दुनिया में कोई जनती औरत देखी है ना तो वो एक जनती औरत थी चार साल उसका शोहर वेजिटेबल था उससे अठारह साल बड़ा था अच्छा और अली मैंने नहीं देखा कि किसी बीवी ने कभी इस तरह की खिदमत की होगी उसकी बच्चियों को भी टच नहीं करने देती थी, थी कि ये मेरा फर्ज है सही सही ठीक है कि उसकी हर चीज वेजिटेबल को चार साल संभालना जबकि रिसोर्सेस भी ना हो कमाई भी कोई ना हो गरीब बंदे हैं ठीक उसको मैंने कहा मैंने मशरा दिया मैंने कहा आप मेरी बहन शादी कर सही आपकी बच्चियां छोटी हैं लोग क्या कहेंगे नहीं। भाई आप कैसी बात कर रहे हो सही ऐसे कोई शादी कर सकता ये हमारे माशरे में हमने किया सही। तो चाहे मर्द की दूसरी शादी है चाहे औरत की दूसरी शादी है सही हम कहते शीज ओके। उन्होंने शादी की तो पिछले दिनों में बड़ी लोगों ने उनके ऊपर लान तान की मैंने कहा यार शादी किया वो गुना तो नहीं किया क्या सत्तर साल का बंदा शादी नहीं कर सकता सही है सही है कौन सी इसमें बुराई है ठीक

काम करते हैं है। कि यार ये हुआ एडिक्शन है तो ये इसका इलाज है मैं है। मैं जब भी किसी के साथ काम करता जितने मर्जी पैबंद लगाऊ वो आम फल उस तरह का नहीं देगा जब तक मैंने उस आम की जड़ असली आम की नहीं डाली ठीक है जड़ को फाइंड करना है अच्छा अभी तक जितनी हमने बातें की है उसका बताऊं की Uh, एक तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की देन लेट इट बी रिलीजियस माइंडेड उससे शेयर करें उसको कहें मुझ पर नजर रखे कोई दोस्त हो सकता है माँ बाप बेस्ट हैं जैसे कि आपने कहा और फिर हमने ये भी बात की कि ऑब्वियसली हैबिट्स uh, को चेंज करना बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस करना और 15 मिनट रूल जो आपने कहा और फिर अपने को मोटिवेट करना घुटने ना टेकना इसके आगे और फॉलोइंग बैड डीड बाय गुड डीड और सबसे इम्पोर्टेंट अली भाई के अल्लाह ताला से दुआ करना बहुत बहुत जरूरी है मेरे रब की ये चीज मेरे ऊपर हावी हो चुकी है ये छुड़वा दे या कुछ हो जाए ये चीज मेरे से छूट जाए मैं इससे दूर हो जाऊं मुझे इससे कराहत आ जाए नफरत आ जाए

तो मेरा ये जवाब ये है कि नबी पाक वसल्लम से ज्यादा तो अल्लाह नहीं पता था ना कि इनको क्या चाहिए जी है, जी हाँ जी है। तो वो सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह के, अल्ला के नबी उनके पांव सूज जाते नबी अल्लाह का खूबसूरत प्यारा नबी अल्लाह का तो वो दुआ से उठता ही नहीं था गजब मुझे याद आया खे पर मुसलमानों ने जीत हाँ तो अल्लाह ने जिताना था मुसलमानों को लेकिन वसल्लम ने जिस तरह दुआ की वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है वाक्य बिल्कुल कि किस तरह उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला, ताला ने सर्दी और वो हवा तेज, तेज चलाई हाँ और फिर वो, अब, वो जो थे वो से के, के तो न, और उस, वो, उसके साथ साथ वो जो, क्या नाम था उस बंदे का पूरी सीरा में एक ही जगह जिक्र है कि उसने आके जो, जो दोनों तरफ जाके आप जंग जो है वो डिट का नाम है सही

उसके फौरन बाद बादजनश हुई सही सही शायद दुआ की कमी होगी सही शायद दवा की कमी होगी मतलब असबाब पे ज्यादा लड़ाई करने लग गए थे राइट दुआ समझ, में समझता हूँ लोग तकदीर नहीं लिखा हुआ नबीम तो की, तो की बात से वो फिर गए हाँ। और नबी की बात से हम जब भी फिरेंगे यहाँ भी रियल लाइफ में भी यही इस केस में भी हम नबी की बात नबी ने आइडेंटिफाई कराया ये चीजों से बाज आज बुराई में पढ़ो अब देखे अली भाई Let me tell you के memes बहुत आजकल। में। जब आप अपने दिल की हिफाजत नहीं कर रहे हैं जब आप गुफ्तु में ख्याल नहीं कर रहे हैं आपकी गुफ्तु फैलती है आपकी लैंग्वेज फैलती है आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जिनसे आप नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जो नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑब्वियसली और फिर ऐसी चीजें आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाए अली मेरा बड़ा दिल दुखता है हम गालियां देते हुए सबसे ज्यादा माँ और बहन को जलील करते हैं जी हाँ जी यार उनका क्या कसूर है <laughs> ऐसे ही है कि आपको उसके अलावा गाली कोई नहीं मिलती

ऐसी uh, वो क्या करे कहाँ से स्टार्ट करे बिगिन आज चेंज होना चाहते हैं व्हाट टू डू अली सबसे पहली वो एडवाइस जो एडवाइस भी नहीं है वो ईमान है मेरा वो ईमान भी नहीं है यकीन है मेरा अच्छा। वो यकीन भी नहीं है वह गुमान है मेरा अच्छा और वह यह कि इस दुनिया में नबी पाकलम स्लम के बाद अल्लाह तला मुझसे प्यार करता है सबसे ज्यादा सही बिल्कुल सही तो जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मुझे हर खाई से बचा लेगा करता है। सही। तो इसलिए मुझे वो हर और ये मेरे साथ जिंदगी में हुआ है हर वो चीज जो मुझे अल्लाह से दूर करती है क्योंकि अल्लाह मुझसे प्यार करता है अल्लाह उसे मुझसे दूर कर देता है ये पहला चीज सबसे पहला बिलीफ है ठीक। और यहीं पे अटैक करता है शैतान सॉरी मैं जरा ऐड कर दूं आपकी बात में कि वो आपको अल्लाह के बारे में बदगुमान करता कहता है कहता तुम तो इतने गुनागार हो तुम तो इतने खबीस हो तुम तो बार बार गुनाह करते हो प्लान करके गुनाह करते हो तुम्हें अल्लाह ने कहा माफ करना है? तुम किस मुंह से दुआ करोगे ना तुम नमाजें पढ़ते हो हर वक्त तुम जो है नापाकी की हालत में होते हो वगैरा वगैरह ऐसे बड़े थॉट्स गुनाहगारों को आते हैं तो ये शैतान का बहुत बड़ा हर था हाँ। हालांकि अल्लाह को तो पसंद ही गुनागार बंदा है कि गुनागार बंदा मुझसे मांगे।, मांगे और दूसरी चीज आप सोच रहे हो रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ जो तो मेरा दूसरा पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड नहीं है टकरे मारते रहे जमीन पर लोग कहते हैं यार मैं नमाज में टकरे मारता हूँ क्या फर्क पड़ता है मैं कहता हूँ टकरे मारते रहो कभी ना कभी मेहराब बन जाएगी सही सही बिल्कुल सही अगर हाँ अगर टकरे मारनी छोड़ दी तो मेहराब तो बनेगी ही नहीं ना सही ठीक है गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो कदमों के बल चले घुटनों के बल चले तो हमने वो एफर्ट जो है ना ट्राई ट्राई अगेन वाली वो बार बार वो कतरा गिराते रहना है सही, वो तो कतरा गिरता रहेगा कई तो एक साल तक नमाज में सुकून नहीं आएगा ना या एक साल तक नहीं छूटेगा दो साल नहीं होगा तीन साल नहीं होगा लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा जब अल्लाह सब फरिश्तों से यह कहेंगे ना कि इसके कदम गिनो कि ये मेरी तरफ कितने कदम आ रहा था सही। तो तुम्हारा मीजान भारी होगा सही। ये मेरा दूसरा है। ठीक ठीक है और तीसरा मशवरा ये है कि आप ये जान लें कि आप अशरफुलमखलूकत हैं ये गुनाह नहीं अच्छा तो आप जब अशरफुलमखलूक हैं, आपको अल्लाह सब ने वो तमाम ताकतें दी हैं कि जिनसे आप इन तमाम से शैतान को अशरफुलमखलुक नहीं बनाया अल्लाह ने सही ठीक है हम उससे लड़ सकते हैं बिल्कुल ठीक जहां तक मेरा इल्म है मैं आपकी तरह माशाल्लाह नजादीन का इलम्ही रखता हूं लेकिन जितना थोड़ा बहुत मेरा इल्म है शैतान ने क्या कहा था अल्लाह से क्या इजाजत मांगी थी कि मैं आगे से भी अटैक करूंगा पीछे से भी अटैक करूंगा दाएं से भी करूंगा बाएं से भी करूंगा दो जगह से उसको इजाजत नहीं मिली हुई एक ऊपर से एक नीचे से ऊपर दुआ है नीचे सजदा है सही सही तो आप उससे ज्यादा पावरफुल है बिल्कुल बिल्कुल यू यू कैन कैन फाइट फाइट इट इट नहीं है अली hmm. मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ भी नहीं है ये तो एक छोटी सी मामूली सी जर्रा है हाँ होता क्या है जब हम उसके उसको लेट गो करते हैं तो डिसेंसिटाइजेशन हमारी होना शुरू हो जाती है रूटीन रूटीन बन है ना बिकम्स फिर वो हमें लगता नहीं है बिल्कुल सही ठीक और जो आपके साथ आसपास लोग इसके ऊपर बूस्टिंग करें ना मैं खुदारा मेरी एक तमाम बहनों बच्चों भाइयों से रिक्वेस्ट है अपने फे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फेसबुक यूट्यूब हाँ। इंस्टाग्राम इनके ऊपर अपने मूवमेंट्स डालना बंद करे आप खुद शैतान को बता रहे हैं कि मेरे घर का रास्ता यहाँ से हो क्या आओ तुम मेरे घर बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है और हम वो जो तस्वीरें डाल के पोस्ट करते हैं ना मैं एक छोटी सी बात से खत्म करता हूँ बात को कि एक बच्ची तीन माह की सही तीन माह की बच्ची की क्या ठीक उसकी माँ ने पेम्पर के साथ उस बच्ची की तस्वीर डाली अपने जी, फेसबुक जी, पे जी, 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 जी। और वो तस्वीर एक पोन साइट पे पांच सौ डॉलर गई पांच सौ पांच सौ डॉलर की वो बिकी ठीक है तो वी नेवर नो कौन यूज कर रहा है आपकी पिक्चर्स को किस किस तरह के परवर्ट्स बैठे उसके हैं उसके नीचे क्या लिखा था अली वो जुमला उससे खतरनाक है हु कैन गेट मी दिस थिंग खुदारा और हमारे माशरे में पीडोफिलिया कितना बढ़ रहा है yes. इसलिए तो इसलिए ये जो आप समझते हैं ना कि अल्लाह ने बड़ी प्यारी शक्ल दी है यार सही. क्यों शक्लें बिगाड़ के तस्वीरें खींचती हो ठीक है तो मैं हमेशा मेरे पास अभी एक बनू से एक बच्ची का मुझे फोन आया सर मेरा रिश्ता नहीं हो रहा मैं बत्तीस साल की हो गई हूँ रिश्ता नहीं हो रहा अच्छा से मैंने पूछा तो क्या वजह वजह सर उसकी यह है कि पे जादू हुआ मैंने कहा बेटा मैं आपको एक मशवरा आपका जादू खत्म हो जाएगा कहती है क्या उसने डीपी पे अपनी अब पठान की बच्ची है और बड़ी माशाल्लाह वो रिलीजियस फैमिली से उसने बताया जो डीपी पे तस्वीर डाली हुई थी नंगे सर नंगे दीन नंगे कवन ठीक है

बिकॉज बहुत सी uh, सबसे ज्यादा यकीन करें कि जो ई मेल्स आती हैं जो मैसेज आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं स्पेशली वट पींस मी इज़ टू सी कि रिलीजस लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वी हैव टू टॉक अबाउट सच इशूज यू नो वी कॉन्ट हाइड इन द डार्क एंड सी के नो 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 नथिंग इज बैड एवरी थिंग इज़ फाइन अभी तो मैंने खुल के बातें नहीं कि लोगों की लाइफ कितना अफेक्ट हो रही कितना डिस्ट्रॉय हो रही इस चीज़ से अल्लाह तचाए बट Our message is that of hope. Our message is that of motivation. Our, our message is that of you know self-empathy. our message is that of dua. Make dua to Allah subhanahu wa taala. Uh, do not give in to it. Khutne mat teke. Isko sin consider kare. Ispe pride feel mat kare. Bazia mat lagay. There are horrible stories. Horrible stories. Imagine someone dying. You know. बींगा yeah, एजारिया बनेगा वो ये चीज बनेगी प्लीज कुछ चीज शेयर करने से पहले सोच लिया करें कि आपके थ्रू वो चीज आगे जाएगी एंड इमेजिन दिस बिकमिंग योर नेगेटिव सदका एजारिया योर अमाल विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय प्लीज अक्लमंदी का इजहार करें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें अल्लाह ताला से इस्तार करें प्रॉफिट सिस्टम की इस हदीस में अमल करेंगे फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड डू नॉट गिव इन टू इट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड अपनी पोजिशन चेंज करें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें एंड वेरी इंपॉर्टेंट फाइंड अ स्पोर्ट्स सिस्टम इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यूट टू गेट आउट ऑफ इट यू नीड टू हैव अ स्पोर्ट सिस्टम दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम ब्रदर अली साइड Uh, inshallah, see you in the next episode. Next episode will be very interesting. Uski announcement hum We will be having very special guests in the next episode as well, inshallah. So wait for the poster. Take care of yourselves and uh, apna rakhe, apne rakhe, and stay motivated. Uh, and as uh, one of the motivational speakers, Zig Ziglar, kam hai, quote unga, he said that people often say that motivation doesn't last.